ये है आज मेरे पास वीवो का अंडर 30,000 में आने वाला इंडिया का पहला फ्लैगशिप किलर डिवाइस, जो कि 1.5 मिलियन के एंड्रॉइड के ऊपर बेंचमार्क स्कोर निकाल के दे देता है। डायमेंसिटी 9200 प्लस के पावरफुल चिपसेट के साथ डे टू डे लाइफ में काफी तगड़ी गेमिंग ऑलराउंडर परफॉर्मेंस ये आपको करा के दे देगा। एंड्रॉइड बेंचमार्क स्कोर आप देखो 4 NM बेस ये चिपसेट आपको मिलता है, बाकी CPU थ्रॉटल के अंदर 70% के ऊपर के परफॉर्मेंस ग्राफ है। और ये फोन IP68 की भी वाटर प्रोटेक्शन के साथ आता है। इसको पानी में डाल दो, कीचड़ में डाल दो, इस फोन का कुछ नहीं होने वाला। इस फोन का डिजाइन आप देखो काफी बढ़िया डिजाइन है, प्रीमियम लुक है, हैंड इन फील काफी सही है। 7.5 mm की थिकनेस के साथ आते हैं, 192 ग्राम के आसपास इसका वेट है एंड फ्लिपकार्ट के ऊपर ये फोन एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है। सबसे पहले इसकी प्राइसिंग आप सुनो, 29,000 से ये फोन स्टार्ट होते हैं एंड कार्ड ऑफर लगा के ही इसका ये प्राइसिंग है। 3,000 का वैसे कार्ड ऑफर है, बट अगर आपको 500 रुपए का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए जस्ट आपको वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरा जो कूपन कोड है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। एंड कैसे अप्लाई करना, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो हाउ टू एड कूपन कोड ऑन फ्लिपकार्ट, तो वो सिंपली स्टेप्स आप फॉलो कर लो एंड कूपन कोड को अप्लाई करिए, 500 रुपए एक्स्ट्रा का ऑफ आप यहाँ पे बेनिफिट उठा सकते हैं। एंड आज हम वीडियो में इस डिवाइस का जो कि T3 अल्ट्रा है, सबसे पहले इसके बॉक्स कंटेंट्स आप चेकआउट करो। बॉक्स के अंदर चार्जर, केबल, बैकवर एंड प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर वगैरह सारी चीजें मिल जाती है। तो आज हम वीडियो में इसका BGMI के अंदर लेट्स फाइंड आउट कैसी क्या उस परफॉर्मेंस ये डिवाइस निकाल के देता है, कितने कॉन्स्टेंट स्टेबल FPS ये निकाल के देता है एंड जो हीटिंग वगैरह है, बैटरी परफॉर्मेंस है कैसी है मेंटेन करके चलता है। तो चलो फिर गेमिंग टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले फोन के अंदर बैटरी परसेंटेज आप चेकआउट कर लो, 77% बैटरी बची है, यहीं से हम गेमिंग टेस्ट को स्टार्ट कर देते हैं। बाकी जो अपना डिवाइस है ऑलरेडी मैंने वाईफाई से कनेक्ट कर दिया एंड डिस्प्ले काफी ब्राइट है, 6.78 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले है 1.5K रेजोल्यूशन के साथ एंड 120Hz का रिफ्रेश रेट लेके आती है। बाकी जो रिफ्रेश रेट है वो मैंने हाई पे 120Hz पे सिलेक्ट कर दिया है, तो जितना भी रिक्वायरमेंट होगा ऑटोमेटिकली नीड के अकॉर्डिंग पिक कर लेगा। बाकी आप यहाँ पे आप चेकआउट कर लो, T3 अल्ट्रा डिवाइस है एंड सारी चीजें यहाँ पे मेंशनड है, लेटेस्ट अपडेटेड है एंड जो अपने गेम है वो भी मैंने लेटेस्ट अपडेट ऑलरेडी कर रखा है। तो गेम को ओपन कर लेते, टाइमर को स्टार्ट कर देते, लेट्स फाइंड आउट कितने सेकंड का टाइम लगता है इसको ओपन करने में। बाकी जो गेम प्ले है पूरा रूम के अंदर टेस्ट करेंगे, AC ऑफ है, फैन ऑफ है, तो उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कितने क्या कुछ कॉन्स्टेंट स्टेबल FPS वगैरह निकाल के देते हैं। बाकी एक गेम मोड आपको मिलता है, बूस्ट मोड जो हायर सेटिंग है वो मैंने इनेबल कर दिया है, 24 सेकंड के आसपास इसने टाइम लगा गेम को ओपन करने में। सबसे पहले इसके ग्राफिक सेटिंग्स को हम चेकआउट कर लेते हैं, डायमेंसिटी 9200 प्लस जो कि MediaTek का जो फ्लैगशिप चिपसेट है वो इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है। बट एक छोटी सी डिसअपॉइंटेड वाली बात यह है कि अभी इसमें एक्सट्रीम प्लस यानी 90 FPS का जो ऑप्शन है वो अनेबल नहीं है। स्मूथ एक्सट्रीम है, बैलेंस में भी सेम है, HD में भी सेम है एंड यहाँ पे HDR के अंदर भी सेम है एंड अल्ट्रा HD में अल्ट्रा सेटिंग है। तो स्मूथ एक्सट्रीम को सेट करके गेम प्ले करेंगे, टेस्ट कर लेंगे यहाँ पे कि 60 FPS कितने कॉन्स्टेंट वगैरह ये निकाल के दे देता है। बट वीवो पे मेरे को पूरा यकीन है कि जल्द से जल्द अभी नया डिवाइस है तो BGMI के साथ मिलके इसमें जो 90 FPS है वो डेफिनेटली यहाँ पे एनेबल होगी इस डिवाइस के अंदर, ये आप यकीन मान के चलिए, अभी अनेबल नहीं है। बाकी मैं वीवो टीम को यहाँ पे फीडबैक प्रोवाइड कर दूंगा जल्द से जल्द 90 FPS का ऑप्शन अनेबल कर दे, बट 60 FPS टेस्ट कर लेते कितने कॉन्स्टेंट निकाल के देता है। बाकी T3 Pro का अगर आपको गेमिंग टेस्ट देखना है ये भी काफी तगड़ा डिवाइस है, आजकल वीवो टी सीरीज के अंदर बजट के अंदर फ्लैगशिप फीचर्स के साथ तगड़ा डिवाइस यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं एंड वीवो अपडेट्स भी काफी जल्दी पुश करते हैं तो उसमें भी कोई इशू नहीं, जैसे मोटरोला अपडेट्स वगैरह काफी लेट पुश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो ये सारे गेमिंग फीचर है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है, व्यू एनहांसमेंट का ऑप्शन इसको एनेबल करेंगे, गेम प्ले करेंगे। बेसिकली जो कलर्स है थोड़ा सेचुरेशन वगैरह आप अगर डिफरेंस देखें, ऑरेंज थोड़ा डार्क ऑरेंज हो जाते हैं तो कलर थोड़े से यहाँ पे बूस्ट कर देता है, तो इसको एनेबल करेंगे, थोड़ा सा बेटर ग्राफिक्स वगैरह मिले तो ये भी थोड़ा बैटरी ज्यादा यूज करता है, बाकी फिर भी चेकआउट कर लेंगे। वॉइस चेंजर की सेटिंग है, AI कमांडर वॉर कोरेस्पोंडेंट चाइल्ड वगैरह ये सारे ऑप्शन है, तो जो भी आपको यहाँ पे अपनी टीममेट के साथ कन्वर्टेड वॉइस में अगर बातचीत करनी है तो ये ऑप्शन है, सिंपली सिलेक्ट करो। रिकॉर्ड प्रीव्यू पे स्टार्टिंग में कुछ परमिशन देनी पड़ेगी, जो भी आप बोलेंगे सामने टीम मेंबर्स को कन्वर्टेड वॉइस के अंदर सब कुछ सुनाई देगा। बाकी 4D गेम वाइब्रेशन की सेटिंग से इसको एनेबल करने के बाद जब आप फायरिंग वगैरह करेंगे थोड़ी बेटर हैप्टिक्स वगैरह मिले, जब आप फायरिंग बटन वगैरह एनेबल करें तो ये ऑप्शन है। ई-स्पोर्ट्स मोड की सेटिंग है, इसको एनेबल करने के बाद जो भी आपकी गेमिंग के अंदर डिस्टर्बेंस है जैसे नोटिफिकेशन, अलार्म, जो साइड टच वगैरह होते हैं सब कुछ यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, इवन किसी का कॉल भी नहीं आएगा अगर आप चाहते हैं गेमिंग में डिस्टर्बेंस ना हो, बट सोच समझ के एनेबल करना वरना आप इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन कॉल वगैरह मिस कर जाएंगे, बैकग्राउंड कॉल्स वगैरह ब्लॉक करनी है या नोटिफिकेशन, ये सारे ऑप्शन है। बाकी जो बेसिक फीचर्स है वो यहाँ पे प्रोवाइड किए गए। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले TDM के अंदर गेम प्ले लगाते हैं, वहां पे देखते हैं कैसा गेम परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं। बाकी इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर प्रोवाइड किया गया, एक बॉटम साइड में एंड एक यहाँ पे एयरपीस में, तो यहाँ पे जो स्पीकर क्वालिटी है काफी लाउड है। जायरो मैंने इसका थोड़ा सा टेस्ट किया था, पूरा प्रॉपरली एक्टिव है, बिल्कुल भी लेट वगैरह नहीं है।
भाई अभी अपना यहाँ पे TDM के अंदर सबसे पहला गेम प्ले हमने कंप्लीट कर लिया, 77% से हमने स्टार्ट किया था। सबसे पहले बैटरी परसेंटेज पे आप नोट करो, यहाँ पे 75, अभी जस्ट 74% बैटरी है। तो लगभग 12 मिनट के गेम प्ले के अंदर 3% के आसपास का बैटरी ड्रॉप हो चुका है। एंड वीवो के साथ यहाँ पे आहिकू Z9S का भी प्रमोशन कर रहा है यहाँ पे BGMI। बाकी इसका गेमिंग टेस्ट देखना है वो भी आप चैनल पे विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी यार टेम्परेचर देख लो आप, 35 के ही राउंड है यार, ग्लास बैक है, बिल्कुल भी यहाँ पे डिवाइस हीट नहीं हुआ है। बाकी अभी एक क्या करते हैं, गन गेम के अंदर गेम प्ले लगाते हैं, इसके अंदर देखते हैं कैसे क्या कुछ परफॉर्मेंस है, देन हम इरेंगल के अंदर एक खतरनाक वाला गेम प्ले लगाएंगे, असली टेस्टिंग उसके अंदर होगी। तो अभी अपना यहाँ पे सेकंड TDM जो गन गेम था वो गेम प्ले हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले बैटरी परसेंटेज आप चेकआउट करो, 72% बैटरी बची है, 74 थी पहले, लगभग 2% के आसपास का बैटरी ड्रॉप आया है। 77 से हमने स्टार्ट किया था, लगभग 20 मिनट के अंदर 5% का बैटरी ड्रॉप आया है। एंड जो टेम्परेचर वो भी आप देख लो, 37 के अराउंड इसका टेम्परेचर है, एंड बैक साइड से भी कुछ इतना ही सेम टेम्परेचर। अभी हम क्या करते हैं, जो मेन इसकी टेस्टिंग है वो हम कर लेते हैं। अभी जैसे हमने प्लेन से जंप किया, यहाँ पे आपने देखा FPS में कोई भी ड्रॉप वगैरह देखने को नहीं मिला, 57, 58, 59, यानी 60 के अराउंड ही FPS देखने को मिल रहे थे। बाकी जब लैंड करेंगे वहाँ भी देखते हैं ये स्टेबल FPS रहते हैं या फिर नहीं। अभी जैसे हमने लैंड किया यहाँ पे भी FPS में कोई भी ड्रॉप वगैरह नहीं था, 58, 59, 60 के अराउंड ही स्टेबल FPS ये डिवाइस निकाल के दे रहे हैं। बाकी उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द वीवो यहाँ पे इसमें 90 FPS का भी जो एक्सट्रीम प्लस की सेटिंग्स है स्मूथ के अंदर वो यहाँ पे जल्द से जल्द अनेबल कर दे, तो गेमर्स के लिए और भी मजे यहाँ पे आ जाएंगे। बाकी जो प्रोसेसर है वो MediaTek का फ्लैगशिप चिपसेट है, Dimensity 9200 प्लस, एंड जो इसमें ब्राइटनेस मिलती है 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस लेके आता है ये डिवाइस। इंडोर ले लो, आउटडोर ले लो, विजिबिलिटी में गेम प्ले कहीं पे भी करो, चाहे डायरेक्ट सनलाइट के नीचे, कोई भी इशू नहीं होगा विजिबिलिटी के अंदर। एंड यहाँ पे जो बाकी स्पेक्स भी है, जैसे 80 वोट की चार्जिंग है, 5500 mAh की इतनी बड़ी बैटरी है, एंड स्लिम सेट है यार, 7.5 mm के आसपास का स्लिम सेट है, तो काफी चीजें वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं 30,000 से 35,000 के बजट में। बाकी वीवो यहाँ पे अपडेट जल्द से जल्द पुश कर देता है, ये वीवो की थोड़ी सी अच्छी चीज है, मोटरोला वगैरह या फिर कुछ और ब्रांड से कंपैरिजन करें, ये रियलमी भी वैसे जल्दी अपडेट पुश करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, अभी नया डिवाइस है, कुछ दिन का वेट करो एटलीस्ट अपकमिंग अपडेट का। जैसे ही 90 FPS अनेबल होता है चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा, आप अगर कमेंट करेंगे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो फिर से एक बारी और BGMI टेस्ट कर देंगे। जो आपके क्वेश्चंस वो भी कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में वो भी कवर कर लेंगे। एंड गेमिंग कंपैरिजन की वीडियो देखनी है, जैसे अभी T3 अल्ट्रा अपने पास है, एंड इसके लेवल के जो फोन्स है जैसे Realme GT6 वगैरह, इनके साथ अगर कंपैरिजन वीडियो देखनी है गेमिंग के अंदर तो वो भी वीडियो आ जाएगी।
करने की जरूरत नहीं पड़ती भाई। बोल के गए हो ना, नहीं आएगा कभी, नहीं आएगा मैंने खेला ना। तो फाइनली गाइस यहाँ पे अपना गेम प्ले हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले बैटरी परसेंटेज अब चेकआउट करो, 77 से हमने स्टार्ट किया था, अभी 63% यानी लगभग 14% के आसपास का बैटरी ड्रॉप है एंड लगभग 52 मिनट के आसपास का गेम प्ले हमने लगभग यहाँ पे कर लिया है। तो एक घंटे का अगर हम कंक्लूजन करें तो 2-3% आप और बैटरी मान सकते हैं ड्रॉप हो जाएगी, यानी एक घंटे में 16-17% बैटरी ड्रॉप होगी। वैसे ग्लास बैक है, ग्लास बैक बोलते हैं जनरली थोड़ा सा प्लास्टिक बैग के कंपैरिजन में, वीकन लेदर के कंपैरिजन में ज़्यादा हीट होती है, बट यहाँ पे आई एम सरप्राइज्ड, यहाँ पे इसका जो मैक्स टेम्परेचर गया था गेम प्ले के अंदर भी वो 38 तक ही मैक्स गया था यार। मतलब इरेंगल भी हमने गेम प्ले किया, दो टीडीएम भी गेम प्ले किया, 50 मिनट के आसपास का गेम प्ले होने के बाद भी 38 तक ही टेम्परेचर गया था। इवन अभी भी आप देख लो यहाँ पे 38, यहाँ से 38 के जस्ट थोड़ा सा ऊपर है, यानी 40 के नीचे यार इसका टेम्परेचर था। रूम के अंदर एसी ऑफ था, फैन ऑफ था, यहाँ पे दिल्ली एनसीआर साइड में आप देख लो यहाँ पे, बाकी आप जोन से स्टेट में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग वेदर देख लेना। तो हीटिंग इश्यूज तो यार नहीं मिलने वाले इस डिवाइस के अंदर। बाकी सोनी आईमैक्स का इसमें 921 का सेंसर मिलता है, तो पिक्चर्स भी काफी बढ़िया आने वाली है, डिजाइन भी सही है, मैट फिनिशिंग है, स्पेशली इस कलर के अंदर जो फिंगरप्रिंट के निशान है वो उसमें नहीं आते हैं। जायरो पूरा प्रॉपरली एक्टिव है एंड बैटरी भी मैं कहूंगा ठीक इसने परफॉर्म किया है, एंड वीवो जल्दी यहाँ पे इसमें 90 FPS भी अनेबल करेगा, ऐसी कुछ थोड़ी बहुत मेरे को इन्फॉर्मेशन पता है। बाकी डिस्प्ले काफी बढ़िया है, तो यस रिकमेंडेड है ये डिवाइस गेमिंग के लिए भी एंड नॉर्मल यूज के लिए भी। ऐसा नहीं है कि जस्ट यहाँ पे वीवो ने एक पावरफुल चिपसेट इसके अंदर प्रोवाइड कर दिया, इसके बाकी चीजें यहाँ पे इसके अंदर नहीं मिलती है। इसके अंदर कैमरा भी बढ़िया है एंड जो डिजाइन वो भी अच्छा है एंड जो डिस्प्ले है वो भी काफी सही है, बैटरी भी एंड चार्जिंग भी 80 वोल्ट का है, तो रिकमेंडेड है। ऑलराउंड पैकेज मिलता है 30-35 हज़ार के बजट में। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सपोर्ट करो सब्सक्राइब करके, एंड जल्दी रियलमी का जो P2 Pro डिवाइस है उसका भी गेमिंग टेस्ट कल तक अपलोड हो जाए चैनल के ऊपर, एंड और डिवाइसेस का गेमिंग टेस्ट देखना है तो आप चैनल पे विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।